हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिवनिटी डायरोस एक्सपर्ट ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस। तो कैसे सब लोग, आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, करेक्ट। सो आज का जो टॉपिक है गाइज, वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है विद इन द नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन में आपकी ज़िंदगी में क्या खुशियाँ आ सकती है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। टाइमलेस है, कलेक्टिव है, फॉर ऑल ज़ोडियक साइंस एंड इट इज अ जनरल प्रेडिक्शन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। यूनिवर्स फिर गाइड्स, प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है विद इन द नेक्स्ट 15 डेज। यूनिवर्स फिर गाइड्स, प्लीज गाइड करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है सिक्स ऑफ वैंड्स, ओके, यहाँ पे है हमारे पास फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, राइट। वी डू हैव द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, वी डू हैव सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स। आई होप यू कैन सी दिस कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एट ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पे है एस ऑफ कप्स, उसके नीचे है टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स में से है सिक्स, फाइव, फोर, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, कंसेक्यूटिव नंबर्स है फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। वाओ, यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी एंड लीब्रा को मिथुन तुला राशि है, यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, वृषभ कन्या मकर, यहाँ पे एरीज लियो सजिटेरियस है, मेष सिंह धनु राशि, यहाँ पे है कैंसर पिसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है। ओके, सो सिक्स सिक्स कैन बी, यू कैन बी सीइंग लॉट ऑफ सिक्स सिक्स। ओके, मुझे जितना तक यहाँ पे महसूस हो रहा है, यस, हो सकता है बहुत सारे लोग जिस वक्त से आप गुजर रहे हैं वहाँ पे आपकी बेसिक जो नीड्स है वो तो सेटिस्फैक्टरी पोजीशन पर है, ठीक है, खान पान का कुछ कमी नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लम्स भी उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो ख्वाब है आपके बहुत ज़्यादा, यू आर बिकमिंग एम्बिशियस डे बाई डे। सो हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 15 डेज यू आर गोइंग टू बिकम मोर कॉन्शियस ऑफ़ योर एम्बिशंस। आपके जो एम्बिशंस है, आपके कहीं ना कहीं पे जो ख्वाब है, जो डिज़ायर है, वो बहुत बड़ा फॉर्म ले सकता है, ठीक है। एंड उसमें क्या है ना, आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी आप अचीव करने की कोशिश करेंगे, जितना भी आप हासिल करने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपको अपोजिट फोर्स भी, ठीक है, अटैक करेंगे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि आप खुला मैदान पे जंग लड़े। वहाँ पे तो शत्रुएं होंगे, वहाँ पे तो एनिमीज होंगे, वहाँ पे कंपटीटर्स भी होंगे। सो कहीं ना कहीं पे यू आर गोइंग टू एंटर अ कंपटीटिव वर्ल्ड, जो मुझे दिख रहा है। और वो ऐसा क्यों होगा आपको पता है? बिकॉज ऑफ योर एम्बिशियस नेचर। अगर आप एम्बिशियस नेचर नहीं होते तो शायद नहीं होता, लेकिन विद इन द नेक्स्ट 15 डेज आपके चॉइसेस भी बहुत ज़्यादा, ऑप्शंस भी आपके सामने बहुत ज़्यादा आएंगे। आपके पास नौकरी का भी ऑप्शन आ सकता है, बिजनेस सेटअप करने का भी ऑप्शन आ सकता है, घर बैठे आपका रोजगार करने का भी एक उपाय आ सकता है। कहीं ना कहीं पे हो सकता है यू आर ऑलरेडी मैरिड, यू आर हैविंग किड्स, सबके बच्चे भी है, लेकिन आप अपना ग्रोथ चाहते हो, आप अपना तरक्की चाहते हो। सो विद इन द नेक्स्ट 15 डेज मे बी यू आर गोइंग टू गेट एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ढेर सारा, ठीक है, मौका मिलेगा अपने आप को प्रमाणित करने का, अपने आप को साबित करने का कि आप भी पीछे नहीं हो। लोग बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं आपको, येस दे डू अंडर एस्टिमेट यू, आप बहुत ज़्यादा अंडर रेटेड भी हो, ओवर रेटेड तो आप बिल्कुल नहीं हो, अंडर रेटेड हो। आपके जो बहुत सारे गुण हैं शायद बहुत सारे लोग देखते ही नहीं हैं, ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है विद इन द नेक्स्ट 15 डेज यू आर गोइंग टू यू कैन से ओवरकम एनी एडवर्सिटी। आपकी ज़िंदगी में जो भी
प्रॉब्लम्स ठीक है आएगा, ठीक है, उसको आप पूरी तरह से हटा के आगे बढ़ने वाले हैं। इस दौरान जो आपको सबसे ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है वो है अपने ही पर्सनल कनेक्शन से। जो मुझे दिखेगा वो मैं तो बोलूँगी, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। हो सकता है कि वो शत्रु, वो जो हिडन एनिमीज है, वो आपको, आपके लिए बहुत घातक साबित हो। सो उससे पहले आप जान रहे हो तो आप प्लीज़ अलर्ट रहिए, क्योंकि कुछ हिडन एनिमीज मुझे आपके फ्रेंड्स के अंदर नज़र में आ रहे हैं। मे बी आप नहीं मानना चाहोगे, मे बी आप विश्वास नहीं करोगे। ऐसा हो सकता है कि अब बहुत कुछ सीक्रेट्स आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दें, क्योंकि आपको लगेगा ये तो मेरा खास दोस्त है, इनके साथ तो मेरा कुछ और है ही नहीं, दे आर लाइक माई फैमिली, जिनके साथ मैं कुछ भी शेयर कर सकती हूँ, कुछ भी शेयर कर सकता हूँ। बट यू हैव टू रिफ्रेन ओके फ्रॉम दोज एक्शंस। यहाँ पे मुझे दिख रहा है अचानक से कोई ऐसा, आप तो अच्छे ही ट्रैक पे जा रहे होंगे, लेकिन कोई लव रिलेशनशिप, आपका ओरिजिनल जो डेस्टिनेशन है आप पहुँचना चाहते हो, यू वांट टू गेट मोर इनकम, यू वांट टू गेट राइज इन योर करियर, यू वांट अ बेटर करियर ऑप्शन, ठीक है, आप नौकरी करना चाहते हैं, आप नौकरी में तरक्की चाहते हैं, आप बिजनेस अगर कर रहे हैं तो आपको चाहिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ, ठीक है। लेकिन इस दौरान कोई लव रिलेशनशिप अगर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, समवन कैन अप्रोच यू विद लॉट ऑफ इमोशंस, ठीक है, विद लॉट ऑफ रोमांस, सो इट इज़ अप टू यू वेदर टू एक्सेप्ट इट और नॉट। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, प्रॉब्लम्स मेजर तो नहीं होंगे, लेकिन ये होगा कि आप अपने रास्ते में भटक भी सकते हैं। किस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे, मे बी यू हैड बीन प्रिपेयरिंग, ठीक है, मे बी यू विल स्टार्ट टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है, चाहे वो नेशनल बेसिस पर हो, चाहे वो इंटरनेशनल बेसिस पर हो। लेकिन मुझे दिख रहा है बेसिकली आपका जो डिज़ायर है टू गेन नेम, फेम, रेपुटेशन, ठीक है, उसको थोड़ा सा अगर आप सीरियसली लेते हैं तो ही वो अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ लोगों के लिए आपके करियर बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश करने वाला है। लेकिन इस दौरान एक लव रिलेशनशिप अगर आ भी रहा है, सो यू हैव टू टेक केयर कि आप बैलेंस्ड रहे, ठीक है, वो आपके रास्ते में अड़चने ना पैदा करें, ठीक है, वो आपके सामने कांटे की तरह ना हो। गुलाब तो हम देख ही रहते हैं, राइट, गुलाब के खुशबू के साथ साथ वो भी हम भूल जाते हैं कभी कभी कि उसके नीचे एक छोटा सा कांटा होता है, जो एक बार चुभ गया तो खून भी निकल सकती है, राइट। सो बेसिकली वी नीड टू बी अवेयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स। नाउ विद इन द नेक्स्ट 15 डेज इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि आपके, देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड हो रहा है। बेसिकली हम तीन कार्ड लेते ही है ऑन द बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके बिजनेस में अगर कोई हिसाब किताब नहीं रख पा रहा था, कोई कुछ फ्रॉड ट्रांजैक्शंस हो रहे थे, या कहीं ना कहीं पे आपको पेमेंट बहुत ज़्यादा करना था किसी को, ठीक है, या वहाँ से आपको रिटर्न नहीं आ रहा था, कुछ पेंडिंग अमाउंट था, किसी को आपने उधार दिया था, ठीक है, बिजनेस फंक्शंस में या जॉब के दौरान वापस नहीं आ रहा था, सो यू आर गोइंग टू गेट इट एट एनी कॉस्ट विद इन द नेक्स्ट 15 डेज। शायद आप बहुत ज़्यादा डे ड्रीम भी करेंगे, लेकिन आपको एक्शन लेना पड़ेगा। मे बी आपको जब एक्शन लेने की बारी है ना, तो आप आलस हो सकता है आपका, नहीं बाद में फॉर्म फिलअप कर देंगे, उसमें क्या है, लास्ट टाइम तो है बहुत ज़्यादा अपना पास, नो। अगर आप इस तरह से बैठे हैं तो लास्ट डेट भी निकल जाएगा, उससे पहले आप सारे प्रिपरेशंस को ज़रूर कंप्लीट करें। सो दिस इज़ अ साइन ऑफ कॉशन बेसिकली। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो फैमिली है स्पेशली और ब्लड रिलेशंस, ठीक है, वो आपको बहुत ही ज़्यादा सिंसियरली सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्लड रिलेशनशिप्स एंड इवन इफ़ यू आर मैरिड देन योर हस्बैंड और योर वाइफ, इन केस ऑफ लवेबल कनेक्शंस, ठीक है, हो सकता है अगर आप उनके साथ बहुत दिन से अटैच्ड है, आप उनको बहुत दिन से जानते हो, देन इट इज़ ओके। बट अगर एक न्यू कनेक्शन आ रहा है, देन यू हैव टू बी वेरी मच सिक्योर, बिकॉज वो शायद वो आपका कोई हार्म या डैमेज ना करे, लेकिन उनके वजह से क्या होगा ना, अगर आप
बातचीत या वार्तालाप में इन्वॉल्व हो जाए, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि अब अचानक से उनका नंबर एक्सचेंज करेंगे, उनके साथ चैट करेंगे, वो भी बात बोलेंगे, रात के समय पे बहुत ज़्यादा बात होगा, इससे क्या होगा, आपका फोकस या अटेंशन डाइवर्शन हो जाएगा, ठीक है, डाइवर्टेड हो जाएगा, इधर उधर भटक जाओगे आप। सो बेटर टू फोकस इन वन एस्पेक्ट एट अ टाइम, अदरवाइज मैं देख रही हूँ इट्स अ सॉलिड ओके फ्रेम ऑफ माइंड यू विल हैव एंड यू विल कंट्रोल एवरीथिंग। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द ओरेकल कार्ड्स, ओरेकल कार्ड से हमें बहुत कुछ पता चलता है, सो लेट सी फ्रॉम दिस ओरेकल कार्ड्स। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें। देखो कुछ लोगों के लिए ये तो जरूर होगा कि वो पश्चाताप जरूर करेंगे विद इन द नेक्स्ट 15 डेज, और आपको वो साइंस मिलना शुरू हो जाएगा कि क्यों वो आपको, पहली बात तो है अगर उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया था, चाहे वो जॉब वाइज हो, चाहे वो कोई भी बिजनेस डील हो या पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, तो उन्होंने क्यों किया, उसका जो है ना पश्चाताप, गिल्ट, शेम उनका रहेगा और वो आपको ज़रूर पता चलेगा, ठीक है, थ्रू डिफरेंट साइंस। लेट मी सी विद इन द नेक्स्ट 15 डेज व्हाट मोर विल बी कमिंग टूअर्ड्स यू। आई कैन सी कार्तूश, डिवाइन नेम्स ऑफ पावर, ओके यहाँ पे है पिलर ऑफ लाइट, वाओ, डिसेंट ऑफ द स्टार ऑफ आइसिस, ओके We do have the rising sun, the divine solar child reborn. Wow, this is amazing, amazing guys. Queen of heaven, blessing from the divine empress of the sky. So, आपको किस चीज़ से, किन से आशीर्वाद मिलने वाला है? आपको उन्हीं से आशीर्वाद मिल सकता है. भरपूर आशीर्वाद आपके लिए है. आशीर्वाद के बिना आशीर्वाद, you know what? It's a form of a luck, good luck, जो हमारे पूर्वज दे सकते हैं. जो हमसे जो बड़े हैं वो हमें दे सकते हैं, हम किसी के लिए उपकार करें तो वो हमें देंगे। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है दैट यू आर गोइंग टू हैव दैट डैश ऑफ गुड लक। बहुत सारे लोग, हम लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन वो टॉप मोस्ट में पहुँचने के लिए वो लक फैक्टर की तो ज़रूरत पड़ेगा। सो विद इन द नेक्स्ट 15 डेज आई नो फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, स्पेशली फ्रॉम फीमेल्स, ठीक है, यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ गुड विशेस, और उनका गुड विशेस मतलब ही आशीर्वाद, और आशीर्वाद मतलब ही है इट्स अ बिट ऑफ गुड लक एडेड टू योर डेस्टिनी। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है बहुत ज़्यादा जो है ना, यहाँ पे है पिलर ऑफ लाइट और यहाँ पे राइजिंग सन, रोशनी की जो सोर्स है वो हमेशा सूरज से ही होता है और किसी से नहीं हो सकता, राइट, इवन मून हैज नो लाइट, मून का जो है, चांद का जो है वो अपना रोशनी नहीं है उसका, वो सन का जो है वो शेयर करती है, राइट, रिफ्लेक्शन होता है, तो ही हम मून में देखते हैं वो उज्जवल है, राइट, बट मून का कुछ लाइट नहीं है। नाउ अल्टीमेट सोर्स इज द सन, सो बेसिकली मुझे ये भी दिखाई दे रहा है लाइक यू नो व्हाट, कि आपके जो लॉस्ट प्रोजेक्ट्स थे, आपने जो खो दिया था एक समय पर, आपने जो सोचा था कि नहीं वो मेरे से कभी भी नहीं होगा, क्योंकि मैं शायद उस तरह से मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी, उस तरह से मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंदर वो हिम्मत है ही नहीं, मेरे अंदर वो स्टैमिना है ही नहीं, मेरे अंदर वो यू कैन से दैट कैप्टिवेटिंग पावर है ही नहीं। सो सूरज देवता जो है यहाँ पे आपको वो कैप्टिवेटिंग पावर दे रहे हैं, जिससे आप लोगों को भी इम्प्रेस कर पाएंगे, लोगों के ऊपर अपना जादू जो है वो चला लेंगे आप, एंड डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो कन्विंस मेनी पीपल, स्पेशली इफ यू आर इन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इफ यू आर इन द ऑल्सो इन द मीडिया इंडस्ट्री, सो कहीं ना कहीं पे आप देख रहे हो, देखोगे कि आपके तरफ लोगों की जो है अट्रैक्शन बढ़ता हुआ, आपके काम के प्रति उनका रेस्पेक्ट जो है और बढ़ता हुआ। सो फॉर मेनी ऑफ यू, इवन फॉर इफ यू आर अ चाइल्ड, अगर आप ऑब्वियसली बच्चे भी हैं, अगर आप 18 ईयर्स के ही है, जस्ट 18 आपने, इवन आप देखेंगे आपके फादर के साथ, आपके बच्चे मतलब आपके पापा के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा जा रहा है, अगर आप खुद पिताजी हैं, खुद डैड हैं, सो आप देखोगे कि बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे थे, मना कर रहे थे, ठीक है, वो भी आपके जो है ना बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे,
कहीं ना कहीं पे आप जो बोलोगे उनको करने के लिए वो करेंगे. सो आई कैन सी लॉट ऑफ फैमिली इश्यूज गेटिंग हील्ड. सो दिस इज द थिंग व्हाट आई फाउंड. लास्ट में हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड्स, फिर हम एंड करते हैं रीडिंग को. सो व्हाट इज गोइंग टू कम विद इन द नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन में क्या आने वाला है. व्हाट इज गोइंग टू कम विद इन द नेक्स्ट 15 डेज. We do have spring, basant kal. See your seeds grow. Okay. Heart guardian, love and let yourself be loved. ठीक है. Seer, see beyond the current situation. देखो, current situation जो है आपका मौजूदगी हालात जो है उससे बाहर आप तभी देख सकते हैं जब आपके पास सूरज देवता की बहुत ज़्यादा कृपा हो. कहीं ना कहीं पे जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस होना शुरू हो जाएगा. कुछ लोग हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजर, मे बी एनी वन लाइक हु इज़ वेरी गुड इन प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर, आप उनके पास जाएंगे, उनसे सलाह मशवरा मांगेंगे और वो देंगे भी. और इसके साथ साथ इवन हो सकता है कि आपकी मॉम भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करे. यहाँ पे है माउंटेन स्टैंड योर ग्राउंड. यहाँ पे पत्थर जो है, जो एक पहाड़ इलाका होता है, वो हमेशा एक चैलेंजिंग फॉर्म में होता है. बट एक बार हम उस चैलेंज को क्रॉस कर लेते हैं तो हम स्ट्रांग बन जाते हैं. उम्मीद ना रखे विद इन द नेक्स्ट 15 डेज की कोई आपको खुश रखेगा. कोई आपको खुश नहीं भी तो रख सकता है. आप खुद अगर खुश नहीं होते हो, सो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर एनी वन टू, यू कैन से दैट राइज अबव योर एक्सपेक्टेशन. आप लोगों से उम्मीद ना रखें कि लोग आपको खुश करेंगे. आप अपना काम करते जाइएगा और आपका छोटा छोटा सक्सेस भी, उसके लिए आप जो जिम्मेदार है, आप उसको सेलिब्रेट ज़रूर करें. कहीं ना कहीं पर आप देखेंगे जो बीज आपने बहुत पहले बो दिया था उसका फल, उसका नतीजा है जो आपको मिलेगा जरूर. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. लव यू अ लॉट. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड